आप सामने देख सकते हैं घुंघरिया रेलवे स्टेशन अंडरपास कंप्लीट है, एक नंबर पे पटरी बनने हो गया एक नंबर जिस। नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घोघटिया स्टेशन की, जिस पर धुआंधार काम की रिपोर्ट आई है, तस्वीर आई है, और ये तस्वीर हमें झंझारपुर रॉक्स ने भेजा है। और इसके तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब नंबर दो प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और यहाँ की दीवार खड़ी की जा रही है। कई जगह पर कर दी गई है, कई जगह पर बाकी है, लेकिन काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो धुआंधार काम की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से दूसरे नंबर की दीवार खड़ी की जा रही है, और इसके साथ साथ दूसरा नंबर का भी प्लेटफॉर्म अब जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। और इस तरह से घोघटिया स्टेशन काफ़ी पहले से बदल चुका है और यहाँ पर काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर काम भी रुका नहीं है और इसने लगातार गति पकड़ रहा है। देखिए, ये ईंट रखी हुई है और इसी से जुड़ाई चल रही है, यहाँ पर दीवार खड़ी की जा रही है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, कहीं कहीं पर बीच में रास्ता छोड़ दिया गया है। और आपको बता दें कि 3 अंडरपास जो काम था वो कंप्लीट हो गया है, ढलाई का काम। अब सिर्फ कनेक्टिंग जो उसे रैंप बनाना है वो उसका बाकी है, और उस वो भी जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और मिट्टी का जो काम बचा हुआ है वो, चूँकि बाढ़ बारिश के कारण जो है मिट्टी अवेलेबल नहीं थी, गीली थी, इस वजह से मिट्टी का काम रुक गया है, उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये भवन है, भवन में भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे आगे कि किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मजदूर खड़े हैं, सामने में रिपेयरिंग खिड़कियाँ वगैरह रिपेयरिंग की गई है, और सामने में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और यहाँ पर लेबर लगे हुए हैं। कुदाल से देखिए किस तरह से काम हो रहा है, यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है। और यहाँ से फिर एक प्लेटफॉर्म जो है वो पटरी बिछाई गई है, ये निर्मली की दिशा में। तो ये एक नंबर का प्लेटफॉर्म में बीच बीच में कहीं कहीं पर ट्रैक नहीं है, लेकिन बीच बीच में कहीं बिछा दी गई है। और ये देखिए, ये मिट्टी का काम, जैसा कि हमने बताया आपको कि मिट्टी का काम यहाँ पर इसलिए बाधित है क्योंकि यहाँ पर अभी बाढ़ और बारिश का सीज़न था, तो इस वजह से यहाँ पर बाधित हुई, लेकिन जल्द ही मिट्टी का काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्लेटफार्म, एक नंबर प्लेटफार्म पे पटरी बिछा दिए गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडरपास एक नंबर का, और ये आप देख सकते हैं एक नंबर पे पटरी कंप्लीट है। तो एक नंबर पर पटरी कंप्लीट है और दूसरे नंबर का प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, और इसके बाद तीसरे नंबर का भी प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए, दो नंबर है और उसके बाद तीसरा नंबर है। बीच में जो बाईपास लाइन है वो नहीं होगी, यहाँ पर सीधा सीधा दो प्लेटफॉर्म वन बाई वन होगा और फिर उसके बराबर में तीसरा होगा। ये देखिए, एक नंबर इधर होगा, उसके बाद बीच में दूसरा नंबर और उसके बाद तीसरा। बीच में जो ट्रैक होता है बाईपास लाइन या लूप लाइन वो नहीं होगी। और ये हो गया दूसरा प्लेटफार्म, अभी तीसरे का तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे नंबर का शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि दीवार बना दिया गया है, 2 से 3 दिन के अंदर में पूरा भी कर लिया जाएगा, उसके बाद स्लीपर पटरी बिछाए जाएंगे। चलिए ऊपर चढ़ के दिखलाते हैं, ये देखिए हम ऊपर चढ़ चुके हैं, और इस साइड 2 नंबर और 3 नंबर होगा। तो घोघटिया में 2 और 3 नंबर का प्लेटफॉर्म बनेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ आबादी ठीक ठाक है और इस स्टेशन को ठीक ठाक से डेवलप करने की योजना है रेलवे की, इसलिए आने वाले दिन घोघटिया के लिए अच्छे हैं। 2 और 3 एक ही पे होता है, और इस साइड आप देख सकते हैं एक नंबर जिस पे अभी पटरी बिछकर कंप्लीट कर लिया गया, सामने काली जी का मंदिर। तो ये स्थिति है घोघटिया स्टेशन की, कि घोघटिया स्टेशन पर अब एक नंबर के अलावा 2 नंबर और 3 नंबर की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है, और मिट्टी का काम अभी भी रुका हुआ है, ये बड़ी चीज़ है। और ये जैसे ही मिट्टी का, हमें बताया गया है कि जैसे ही बाढ़ का पानी जैसे गया है और सूखा होगा, मिट्टी जब गीली है अभी नहीं लाई जा सकती, जब सूखी होगी तब इसको लाया जाएगा और इस पर इसको भराया जाएगा। यहाँ पर भराई ज़्यादा है, यहाँ पर कई कई जगह पर 10 फीट 15 फीट तक भराई है, इसलिए मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक के लेवलिंग नहीं किया जाएगा तब तक के ना स्लीपर बिछाया जा सकता है, ना ही पटरी बिछाई जा सकती है। अच्छी बात यह है कि दूसरे नंबर की दीवार खड़ी हो रही है, साथ के साथ जो अंडरपास का काम था वो कंप्लीट हो गया है, जो बहुत ही हेडेक वाला काम था, और अब जो है वो मिट्टी का काम करके बाकी का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।